उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया है। अब इसे हिंदू पक्ष को झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अब हिंदू पक्ष के पास कौन कौन से विकल्प बचे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग की मांग के विकल्पों का उपयोग करेगा भी या नहीं। वाराणसी जिला अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कार्बन डेटिंग की अनुमति दी गई तो शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा और ऐसा होने पर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। हम इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर पूर्णतः गलत है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से कहा था कि ट्रायल कोर्ट पूरा ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड कर सकता है। इस मांग को लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि आप इस मांग को लेके वापस ट्रायल कोर्ट जाइए और ट्रायल कोर्ट में कहिए। इसीलिए हमने ट्रायल कोर्ट में ये मांग रखी थी। अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है, तो इस मांग को हम लेके दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये कैसे तय होगा कि ये क्या है, फाउंटेन है या फव्वारा? अब इसलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन तय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये केस डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इसको इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है? कोई सेटबैक नहीं है। देखिए, लॉ में कभी कोई ना सेटबैक होता है ना कोई ओवर विक्ट्री होती है। एक बात है, हमने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी थी लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए। माननीय न्यायालय को लगा कि उनकी पावर नहीं है, तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि समझा नहीं पाए आपको यहाँ की कोर्ट। देखिए, अब माननीय न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया है, हमने सारे फैक्ट्स सारे तथ्य ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखे थे। माननीय न्यायालय का अपना व्यू है, तो आप उसको यही कह लीजिए। हो सकता है जब वकील हारता है तो हो सकता है कि वकील ही नहीं समझा पाए। मैं इस बात को मानने में मुझे कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई दुख नहीं है कि शायद हो सकता है हम अपनी बात। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जितेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बड़ा मसला है ज्ञानवापी का, और अब एक हिंदू पक्ष के लिए इसे झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग अब नहीं हो पाएगी। क्या कुछ विकल्प अब बचे हैं हिंदू पक्ष के पास, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा? जितेंद्र, देखिए पल्लवी, 18 अगस्त ये विवाद शुरू हुआ था, सिंगार गौरी का ये मामला लगातार ये विवाद बना हुआ था। उसके बाद डेट पे डेट चली और अक्टूबर में भी इसकी डेट अगली तारीख दे दी गई थी और आज इसका फैसला आ गया। और जो कार्बन डेटिंग का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और साफ तौर पे बनारस के ज्ञानवापी परिसर मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग अब नहीं हो सकती, क्योंकि 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली थी शिवलिंग जैसी संरचना की, जिसकी उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की मांग की गई थी। और कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट जाने के लिए 5 महिलाएं गई थी और उसके बाद लगातार इस पे तारीख शुरू हुई और तारीख के बाद आज फैसला आ गया। और जो फैसला है वो मुस्लिम पक्ष के हक में आया है और कार्बन डेटिंग के लिए कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है और याचिका, और उसपे साफ तौर पर जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह से पल्लवी आपने बात कही कि ये हिंदू पक्ष के लिए कही जा सकता है कि एक उनकी हार ये कही जा सकती है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला खारिज किया है उसको लेकर भी जो हिंदू पक्ष है उनके अंदर निराशा जरूर है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष में कार्बन डेटिंग के मामले में उनके हक में जो फैसला आया है, उस फैसले से जो मुस्लिम धर्मगुरु है उन्होंने खुशी जाहिर की है और साथ ही इस बात के लिए कहा है कि हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये फैसला न्याय के लिए दिया है और जाहिर से जो फैसला इनका स्वागत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब चाहे वो हिंदू पक्ष के मामले में आता फैसला है उनके पक्ष में आता है, हिंदू पक्ष के या मुस्लिम पक्ष के, दोनों ही मामले में कोर्ट का रुख ही एक रास्ता है। और एक बार फिर उनके वकील ने कहा है कि हम कोर्ट की ओर दोबारा रुख करेंगे।